हेलो दोस्तों, मैं अपना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। आईटी टूल्स में अब हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जानेंगे। अभी तक मैंने तीन पार्ट और हैं इसके बनाए हैं जो आपको देखने चाहिए। बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी भाषा में बहुत ही कम जगह आपको मिलेंगे देखने को, यूट्यूब पर बहुत ही कम मिलेगा देखने को। हिंदी भाषा में मैंने आपके लिए नोट्स तैयार किए हैं। ये जो हिंदी मीडियम से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है नोट्स बनाने में, तो मैंने हिंदी मीडियम वालों के लिए ही ये नोट्स तैयार किए हैं। इन्हें आपको देखना चाहिए और इससे आप आराम से ओ लेवल का आईटी टूल्स का पेपर निकाल सकते हैं। और भी मैं सारे नोट्स तैयार कर रहा हूँ, हल्के हल्के आपको सारे नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और इसके नोट्स बना लीजिएगा, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं इनपुट और आउटपुट। तो इनपुट क्या होता है? किसी भी निर्देश एवं डेटा को कंप्यूटर में इनपुट डिवाइस के माध्यम से ही उपलब्ध कराया जाता है। कंप्यूटर उन उपलब्ध डेटा एवं सूचनाओं से प्रोसेसिंग करके हमें एक नियत आउटपुट प्रदान करता है। मतलब कि क्या होता है, जब किसी भी निर्देश एवं डेटा को जब इनपुट करते हैं हम जब कंप्यूटर में, तो वो कंप्यूटर क्या करता है, उसे उसमें प्रोसेसिंग करता है और जो नियत आउटपुट हमें प्रदान करता है, जिसे हम इनपुट डिवाइस कहते हैं। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन सी होती हैं, देखिए यहाँ पर मैंने लिखी हुई हैं, माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, ट्रैक बॉल, जॉयस्टिक, माइक्रोफोन, बारकोड रीडर, MICR, मैग्नेटिक इंक करेक्टर रिकॉग्निशन, ATM, ऑटोमेटिक टेलर मशीन, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर, वेब कैमरा, लाइट पेन, OCR, ऑप्टिकल करेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं आउटपुट डिवाइस की। तो आउटपुट डिवाइस क्या होती हैं, आउटपुट इनपुट और प्रोसेसिंग के बाद का स्टेप है, जहां हम अपना आउटपुट जान पाते हैं। आउटपुट के माध्यम से सूचनाएं, जिन्हें हम स्टोरेज डिवाइस जैसे हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क आदि में स्टोर कर अपने प्रयोग में लाते हैं, आउटपुट डिवाइस के उदाहरण हैं। उदाहरण क्या हैं, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, ऐसे इसे हम ऐसे याद कर सकते हैं। देखो, सबके लास्ट में आर आ रहा है, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर, प्लॉटर, स्पीकर, हेडफोन, हो गया याद, 6 याद कर लीजिए। ये एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा गया है, इनपुट और आउटपुट डिवाइस बताइए, आउटपुट डिवाइस से और इनपुट डिवाइस की डेफिनेशन लिखिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद कीजिएगा और इसे आप पूरा पेपर में लिख कर आइएगा, ठीक है। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने से कोई पैसे नहीं लगते हैं, आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपको फ़ायदा ही होगा अगर आप ओ लेवल करना चाहते हैं, ठीक है। ओके।